श्रीकांत, तुम किसी भी बहाने से साहब को यहाँ पर लेकर आ जाओ और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। जी मैम, साहब को नहीं पता चलेगा मैम। जी श्रीकांत, अरे खड़े क्यों, जाओ ना। जी मैडम जी, जा रहा हूँ मैडम जी। जल्दी जाओ। अनुष्का, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुमने मुझे इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? हाँ बाबा, सब ठीक है, आओ अंदर। कैसा लगा? वाव, बहुत अच्छा। वैसे भी तुम्हारा किया हुआ इंटीरियर का काम तो सबको पसंद आता है। अच्छा ये बताओ, क्लाइंट को कैसा लगा? तुम्हें पसंद आया ना, समझो क्लाइंट को भी आ गया। मैं कुछ समझा नहीं। और ये क्या, हम दोनों की तस्वीर यहाँ पे किसने रखी? वेल वेल वेल, ये तस्वीर मैंने रखी है। घर हमारा है। क्या, ये क्या बोल रही हो तुम? हमने ये घर इंस्टॉलमेंट पे ले लिया है। अब यू नो, वो रेलवे कॉलोनी वाला वो जो वन रूम फ्लैट था ना, उसमें रहने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी वहां पे सिर्फ वो ट्रेन की आवाज़ ही आती थी। अच्छा लगा? I can't believe this. ये सब तुमने कैसे कर लिया? तुम्हारी बीवी सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर नहीं है, एक आर्किटेक्ट भी है। क्यों भूल जाते हो बार बार? हाँ मैडम जी, इसको कहाँ पे रखना है? अभी उधर सोफे पे रख दो, मैं बाद में लगाती। अच्छा मैम। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ, तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया, बदले में मैं तुम्हें क्या दूँ? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक चीज दे सकती हूँ, एक मेड ढूंढ दो प्लीज। मतलब इतना बड़ा घर है और अब पहले जैसी वाली बात तो नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, प्लीज इतना तो कर सकते। मैडम जी, मेरी बीवी घर का सारा काम कर लेती है। हाँ हाँ, बुला लो, फिर अपनी नौकरी भी छोड़ देना। मैं एक घर से दो मुलाजिम नहीं रखती, समझ में आया? जी मैडम। मैडम जी, मैं आस पड़ोस में पता कर लूंगा, कोई ना कोई नौकरानी जरूर मिल जाएगी। ठीक है, पता करो तुम। मैं चाय बना दूं तुम्हारे लिए? हाँ प्लीज। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो वॉल बीच में आ रही है ना, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही। अगर ये हट जाए तो मतलब बेटर होगा। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, है ना, वैसे भी अननेसेसरी है। ओके ओके फाइन, ठीक है, ऑल राइट। आई एम सॉरी बेबी, एक्चुअली क्लाइंट का बहुत प्रेशर है, अगर टाइम पे काम खत्म नहीं किया ना तो क्लाइंट बहुत नाराज होने वाला है। सॉरी, मैंने कुछ कहा?
तुमने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन तुम बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हो। अच्छा, अब बताओ मैं क्या कह रहा हूं। पता है, पता है, सब पता है मुझे, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। एक भाव बताओ। हर रोज खूबसूरत लड़की तुम्हें बड़ी से रात सूझ रही है। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अनुष्का, क्या यार, आज तो संडे है ना, आज भी काम, कम से कम आज तो रेस्ट करो ना। हमारे काम में संडे मंडे कहाँ होता है, और फिर मुझे साइट पे भी तो जाना है। तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? छोटा सा, मैंने ना वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, प्लीज उसे छत पर डाल देना, प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैडम जी, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके घर का सारा काम संभाल लेगी। नमस्ते करो मैडम को। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैम, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ और इनके घर वालों को भी अच्छे से जानता हूँ। तो फिर तुम्हें खाना वाना तो बनाना आता होगा सब? जी मैडम जी, इसको सब कुछ आता है। चलो फिर आज से ही काम पे लग जाओ, और साहब तुम्हें बाकी का सारा काम समझा देंगे। बाय विक्रांत। बाय। अच्छा सुनो, किचन में थोड़ी सफाई कर दो, और वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं तो वो ऊपर जाके सुखा दो। मुझसे क्या हो गया? हाय तैया। अरे क्या किया? साहब वो गलती से मुझसे क्या किया? मैं उठा देती हूं साहब। अरे नहीं रुको, उसको हाथ से मत उठाओ, लग जाएगा। नहीं 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 साहब, मैं साफ कर। अरे अरे मैंने कहा था ना हाथ से मत उठाओ। सुनती नहीं हो आप? आ जाओ इधर आओ, मैं पट्टी कर देता हूं साहब। अरे रुको, कुछ नहीं होगा, बैठो बैठो साहब। ठीक, मैं बैंडेज लेके आता। तब कोई बात नहीं। अरे रुको, कोई बात नहीं, आराम से आराम से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो लग गया, ठीक है। विक्रांत, विक्रांत। मीम साहब, साहब बोल के गए उनको आने में थोड़ा लेट होगा, तो आप उनका इंतजार मत करना, आप खाना खा लीजिए, मैं लगा देती हूँ। ठीक है, तो तुम खाना लगा दो, मैं तब तक शावर लेकर आती हूँ। जी मीम साहब। मैडम के साथ पूरा दिन बिताने के बाद ऐसा लगता है कि दिन खत्म ही क्यों हुआ। मैडम एक बार छू लेती है ना, और तीन चार दिन तक उसकी खुशबू मेरे बदन में रहती है। ज्यादा मत देख, तेरी आंखें फूट जाएंगी। मेरी बिल्ली मुझी से मैं हूं, अपने ना काम से काम रख, समझी? सुना नहीं अभी मैडम ने तुझे क्या कहा? टेबल पे खाना लगा और निकल, चल छुट्टी हो गई तेरी। एक बात बोलू, तू जितना कमीना है ना उससे कई ज्यादा तू दिखता है कमीना। पता नहीं मालिकों को तेरा कमीनापन क्यों नहीं दिखता। तू बड़ी दूध की दुनिया है, तुझे यहाँ जिस काम के लिए लाया हूँ ना उस पे ध्यान रख। मैं किससे मिल रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोच, समझी? अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तू भी घूम जाएगी। तू चलने का आया था समझा, ज़्यादा सिखा मत, बड़ा आया।
कौन है? लक्ष्मी? कौन है वहां पे? हाँ? अरे मैं हूँ, अब और कौन होगा? तुम और बोल नहीं सकते थे, इतना घबरा गई थी। बोला तो था, अब तुम्हें सुनाई नहीं दिया तो मैं क्या करूँ? तुम ना आज तक बहुत शरारत करते जा रहे। शरारत तो अब करूँगी। ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? इसमें हम दोनों के लिए खिलौने हैं। आप शायद भूल रहे हैं, हम बड़े हो गए, हमें खिलौनों की जरूरत नहीं। इसमें बड़ों के खिलौने। ओके। चलो ना मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। ओके। तो ये जो बड़ों के खेलने वाले खिलौने हैं ना, ये मुझे नहीं चाहिए। विक्रम, मेरे पास तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं। श्रीकांत कहाँ रह गया? होगा यहीं कहीं, आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम दिल्ली से वापस कब लौटोगी? मुझे लगता है हफ्ता दस दिन तो लग जाएगा। And I'm really sorry, मैं बर्थडे वाले दिन तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बट मैं वीडियो कॉल करके तुम्हें जरूर विश करूंगी। और हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। लेकिन हाँ, तुम फोन करते रहना। पक्का। अरे फोन से याद आया, मेरा फोन यहाँ पे है ही नहीं, अंदर है। मैं लेकर आता हूँ। तुझे पता है ना मैं कितना पागल हो रहा हूँ। श्रीकांत पागल हो गया हो क्या? छोड़ो मुझे, पीछे हटो। श्रीकांत छोड़ो मुझे। श्रीकांत सब साहब जी, साहब मेरी बात तो सुनो साहब। साहब साहब आप जो सोच रहे हो साहब वैसा कुछ नहीं है साहब, आप गलत सोच रहे हो साहब। कैसे हुई मेरे घर में ये सब करने की? आप गलत सोच रहे हो साहब। निकल यहाँ से साहब। साहब जी गलती, निकल यहाँ से वरना जान से मार दूंगा तुझे मैं। ये ब्लडी लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। नहीं मैडम जी मुझसे गलती होगी। मैडम जी मैं बैग गया था। मैडम जी मेरी बुद्धि फिर गई थी। मैडम जी लक्ष्मी ने भी मुझे माफ कर दिया है। ए लक्ष्मी, ए बोलना लक्ष्मी, बोलना मैडम को, बोलना साहब को, बोलना एक बार। डरा रहा है लड़की को? साहब छोड़ दीजिए, साहब जाने दीजिए। एक तो गलत काम करता है, ऊपर से लड़की को आंख दिखाता है। निकल यहाँ से वरना पुलिस को बुला लूंगा। निकल यहाँ से, निकल, लेके जाए इसको। My God, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि श्रीकांत ऐसी हरकत करेगा। ऐसे ही होते हैं लोग, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। Anyway, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वहीं से ऑफिस निकल जाऊंगा। और सुनो, घर अंदर से अच्छे से लॉक कर लेना, लोगों का भरोसा नहीं। ठीक है साहब जी। चलो अनुष्का।
साली बड़ी मजे ले रही थी ना, बचा नहीं सकती थी का मुझे? तो क्या बोलती हाँ, इसे मत मारो, ये मेरा पति है, इसने झूठ बोल के मुझे यहाँ पे काम पे लगवाया ताकि मैडम को शक ना हो। छोड़, अगर ये सच सुनती ना तो वो हम दोनों के यहाँ से बाहर फेंक देती। दोनों की छोड़, एक की भी तंग का हाथ नहीं आती। चुप करा, मैडम के सामने मेरी बेइज्जती करके गलत किया उसने, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। मैडम की बड़ी चिंता हो रही है तुझे, और अपनी बीवी के सामने पिटा, उसका कुछ नहीं। कम बोला, वो ज्यादा बोल रही है। कम तू बन, औरतों को देखकर तेरा नाड़ा ढीला हो जाता है। हर की कहीं का बड़ा आया। ए, तू भी ना ज्यादा दूध की धुलनी है, समझी? अच्छे से जानता हूँ तेरा किसके साथ क्या चक्कर चल रहा है, तो ना थोड़ा औकात में रह के बात कर मुझसे। ज्यादा तैस मत दिखा, समझा? जब साहब का गुस्सा ठंडा होगा तो जाके माफी मांग लेना, इससे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी तुझे दोबारा नहीं मिलेगी, समझा? तनख्वाह नहीं चाहिए मुझे इसमें, कुछ और चाहिए। देख, तू जो भी करना ना, सोच समझ कर करना। इस घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे, तू अगर कुछ भी लेकर बाहर जाता है ना तो पकड़ा जाएगा। मुझे मत सिखा, बस मैं जो बोलूंगा वो कर देना। चल अब बर्तन धुल ले। बड़ा आया, बर्तन। लक्ष्मी, एक गिलास पानी लेके आना। साहब, ये सब तुमने किया है? जी साहब, मीम साहब ने बोला आपका बहुत ख्याल रखना है। मैं खाना लगा दूं, आप खा लीजिए। नहीं, खाना मत लगाओ, मेरे लिए दो कप चाय बना लो। ठीक है साहब। और सुनो, वो मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है? वो आप रोजाना खाने के बाद हॉल में बैठकर काम करते हैं ना लैपटॉप पे, तो मैंने वही रखा है, ले आऊं? नहीं, मैं हॉल में बैठकर ही काम करूंगा, तुम चाय बना लो। तुम्हारी मैडम भी नहीं रखती है। साहब खाना खाकर सोइएगा, खाली पेट सोना अच्छा नहीं होता। अरे, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। नहीं, वो सब रहने दो, तुम जाओ लेट हो जाओगी। नहीं साहब, अभी बहुत काम बाकी है, मैं थोड़ा काम निपटा लूं फिर चली जाऊंगी। अरे सुनो तो सही, कोई जरूरत नहीं है। अरे संभाल के गिर जाओगी। कुछ नहीं होगा। बाकी का काम कल कर लेना, काफी देर हो गई है, बारिश भी हो रही है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सीट बेल्ट लगा लो। मुझे नहीं आता सर। सीट बेल्ट लगाना नहीं आता है? अब अच्छा एक काम करो, वो बेल्ट खींचो। हाँ, इसको ये। लक्ष्मी,
तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बहुत अच्छी। मैं तो आपको पहले दिन से ही पसंद करती हूँ। आप बिना क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने साहब का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, इतना ना तो अब इस घर को आपकी और ना साहब को आपकी जरूरत है। लक्ष्मी, तेरे तो भाग्य बदल गए। उन्हें तो मैं समझाऊंगी, जब मीम साहब बाहर जाया करेंगी तो मैं आपकी सेवा करूंगी। और जब वो आ गई तो आप उनका ख्याल रखना और मैं अपने काम से मतलब रखूंगी ताकि उनको कुछ शक न हो। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। हिंदी मीडियम से पढ़ी, पूरी 12वीं पास हो। अब ये बताइए, मुझे आप अपना कब बनाएंगे? बहुत जल्द, और तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। ओह, बस भी कीजिए ना, पूरी रात बीत गई। मेरा अभी भी मन कर रहा है। तो रात भर अय्याशियां हो रही थी। श्रीकांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की है? और तू घर के अंदर कैसे घुसा? हाथ हटा, मेरी बीवी है ये। क्या बीवी? हाँ, जिसके साथ तू रात भर रंगरलियां मना रहा था, मेरी बीवी है ये। ये तो मैडम ने एक घर के दो मुलाजिमों को काम करने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने बात छुपाई और इसको यहां पर लेकर आया ताकि हम दोनों पैसा कमा सके। लेकिन तेरे कारनामे देख के ना शर्म आ रही है मुझे। पता क्यों? क्योंकि तू कमीनों का भी कमीना है। तो इसमें तेरी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। और मुझे नहीं पता था कि ये तेरी बीवी है। ये किसकी बीवी है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब तेरी बीवी को पता चलेगा कि तू इसके साथ क्या कर रहा था, और मैं जब पुलिस में कंप्लेंट लिखवाऊंगा ना, तब तुझे पता चलेगा क्या किया है तूने। ए, चल, तेरी मेडिकल रिपोर्ट निकलवाता हूं ताकि केस और भी स्ट्रॉन्ग बने। चल श्रीकांत, चल श्रीकांत, श्रीकांत, तुझे जो चाहिए वो ले ले। हर महीने घर बैठे मैं तुझे तनख्वाह भी भिजवाता रहूंगा, ऊपर से पैसे भी दूंगा, मगर इस बात को यहीं पे दबा दे। रुक, ये और भी दूंगा। तूने क्या समझ रखा है कि इन कागज के टुकड़ों से तो हम गरीबों की इज्जत को खरीद सकता है और हम इनको लेके खुश हो जाएंगे? देख श्रीकांत, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। अब तो मैं हर जाना ही चुका सकता हूँ, इसीलिए ये पैसे दे रहा हूँ। इस बात को दूसरी तरह से मत ले।
अगर हर जाना ही देना है ना सेठ, तो बराबरी का दे। तू बोल ना तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा मैं वो दूंगा। देगा? अरे कहा ना, मांग के तो देख, जो मांगेगा वो दूंगा। तूने मेरी बीवी की इज्जत ली ना, बस एक रात के लिए मुझे अपनी बीवी के साथ सोने दे। हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात जुबान पे भी लाने की? मैं जान से मार दूंगा मैं तुझे। जान से मार देगा? सोच, मैंने तो तुझे ये बात सिर्फ बोली है, तब तू इतना गुस्से में लाल हो गया, मुझ पे क्या बीतरी होगी जो अभी अभी तू मेरी बीवी के साथ सो के आया है। सोच के देख। सिरका, इससे गलती हो गई सिरका, प्लीज मुझे माफ कर दे। माफ कर दो? वक्त बर्बाद मत कर से, जब सब आएगी ना तभी मैं वापस आऊंगा। और ये जो तूने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं ना, उसका एसडी कार्ड लेके जा, क्योंकि तुम लोगों ने जो कल रात कार में हरकतें करी है ना, वो उसमें कैद है, और तुझे नंगा करने के लिए वो काफी है। ये जो बनियान और तौलिया तूने लपेटा हुआ है ना, ये भी उतर जाएगा। एक मिनट, तुझे कल रात के बारे में कैसे पता? और अगर तू वहां पे था, नामा क्यों नहीं थी? और अगर तू वहां पे नहीं था, ये बात तुझे किसने बताई? अब समझ में आया, तो ये तुम दोनों की चाल थी मुझे फंसाने की। चलो अब सब कुछ तुम समझ ही गए, फिर नौटंकी किस बात? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारी पत्नी को श्रीकांत की बात मान लेने में ही हम सबकी भलाई। तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं, एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में जलेबी। इसके अलावा इसके पास चारा ही क्या? अब बस एक ही चारा है अपने पास, जब तक मेम साहब नहीं आती ना, मैं और मेरी जलेबी भाई उस वाले कमरे में रहेंगे एक साथ। बाय बाय सेठ, चल डाले। श्रीकांत ने जूस पी लिया है, अब आप पी लीजिए। नहीं पीना, मुझे नहीं चाहिए। ओहो, आप भी ना। देखो साहब, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, और अच्छी बात तो ये है कि आप भी मुझे कितना पसंद करते हैं। सर किस दुनियादारी के चक्कर में पड़े हैं, मैं श्रीकांत को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो एक औरत को सिर्फ एक बार यूज करता, दोबारा उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता। और देखो आप ही फायदे में हो ना, वो आपकी चीज सिर्फ एक बार यूज करेगा और आप पूरी जिंदगी भर के मजे आप लोगे एक छोटी सी बात को लेके। आप क्यों इतना टेंशन करते हो? मैं आपकी टेंशन खत्म करती हूँ, मसाज कर दो। अच्छी लग रही है ना मसाज? फिक्र मत कर, श्रीकांत नहीं आए, और अगर आएगा तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलिए चलिए ना, चलिए। तुम सेठ लोग भी ना अच्छे तो बहुत होते हैं, लेकिन जीना नहीं आता, डर डर कर जीते हैं। जीने के लिए ना जानवर बनना होता है, और अगर एक बार जानवर बन गए तो फिर देखो इतना मजा आता है। ओ सेठ, चार पांच सिगरेट मिलेगी क्या?
कोई टाइम आएगा। विक्रांत, अनुष्का, अरे लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी सुनो, क्या हुआ? उठो, वो अनुष्का आ गई, जाओ यहाँ से। तो क्या फर्क पड़ता है? अरे पागल, सोने दो यार। अरे पागल होगी हो क्या? अगर वो कमरे में आ गई तो आफत हो जाएगी। तो अपने कपड़े चेंज करो, ये लो और निकलो यहाँ से, जाओ। क्या है, मेरे कपड़े उस रूम में? एक काम करो, तुम उधर छुपो, चलो खड़े हो, खड़े हो तुम, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। Surprise! Wow, what a surprise! लेकिन तुम तो 4 दिन बाद में आने वाली थी ना? अरे यही तो surprise था। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे birthday के दिन मैं काम करती रहूँगी? किस नहीं? Thank you. पता है, मैंने ना तुम्हें बहुत miss किया, बहुत ज़्यादा। अच्छा? हाँ हाँ पता है, बहुत मिस किया। सो स्वीट, आई लव यू। विक्रांत, तुमने मेरा परफ्यूम लगाया है क्यों? वो एक्चुअली ना तुम्हारी याद इतनी आ रही थी तो सोचा कि परफ्यूम से काम चला लेता हूँ। अच्छा, हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। अच्छा सेलिब्रेट करें। हाँ, है ना, चलो। वो क्या नाम था उसका, लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही थी? लक्ष्मी वो ऊपर कपड़े सुखा रही होगी। अच्छा ठीक है। अरे ये लो, वो आ गई। लक्ष्मी, मैं क्या बोल रही हूँ, आज साहब का बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे साहब। तो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो तुम क्या करो, तुम किचन में जाओ और शैंपेन के कांच वाले ग्लास लेकर आओ, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। ये यहाँ क्या कर रहा है और ये हमारे गेस्ट रूम से क्यों निकल रहा है? मैडम जी, इस बात का जवाब तो साहब ही देंगे। साहब जी, आप बताइए ना मैम को कि मैं इस रूम में क्या कर रहा हूँ। कोई नहीं मैडम जी, मैं ही बता देता हूँ। क्या है ना मैडम जी, उस दिन जो भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, तो मैं फिर लक्ष्मी के पास गया और मैंने लक्ष्मी से माफ़ी मांगी, लक्ष्मी मुझे माफ़ कर दो। फिर लक्ष्मी मान गई, फिर हम दोनों ने शादी कर ली मैडम जी। What, really? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। Congratulations! थैंक यू मैडम जी। बस हम लोग गाँव जाने वाले थे, फिर साहब ने कहा कि रुक जाइए जब तक मेम साहब नहीं आती, और मेम साहब आप तो एक घर में दो मुलाजिम नहीं रखती है ना, तो इसीलिए हम लोग जाने ही वाले थे बस। फिर साहब ने कहा रुक जाओ, तो रुक गए मैडम जी। अरे नहीं नहीं, तुम लोग आराम से यहाँ पे काम कर सकते हो, रह सकते हो। विक्रांत, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, हार्टली कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैडम जी। अरे वाह, ये तो डबल सेलिब्रेशन वाली बात हो गई। लक्ष्मी तुम शैंपेन की ग्लास लेकर आओ, मैं शैंपेन की बोतल खोलती हूँ। चलो 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 जल्दी। मैडम के ग्लास में मिला देना, मेरा नंबर आ गया। Thank you.
न्यूली मैरिड को। नहीं नहीं मैडम जी, हम ये सब नहीं पीते हैं मैडम जी। अरे नहीं पीते हो तो आज पियो, लो 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 पकड़ो। नहीं मैडम जी आज नहीं, नहीं चलेगा, पकड़ो, शर्माओ मत, पकड़ो पकड़ो, लो आज पकड़ो। मैडम जी नशे हो जाएंगे हमको। अरे कर लो आज थोड़े नशे, शादी हुई है। पियो पियो, पकड़ने के लिए नहीं दिया। Cheers. पियो। You are my baby. Let's cheers. Cheers. You know what? मैं तो और पीऊंगी। बहुत दिनों बाद थी ना, थोड़ी सी हिट कर दी। विक्रम। हाँ। ओ मेरे विक्की, मेरे हाँ। मेरे रूम तक छोड़ो प्लीज। हाँ। रूम तक छोड़ो। रूम साहब चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे तुम क्यों छोड़ रहे हो विक्कू को? मैं आपको छोड़ रहा हूँ ना, आपके कमरे तक आओ। विक्कू कहाँ है तुम? अरे आ जाओ विक्कू छोड़ेगा मुझे। अरे मैडम जी आ जाओ, मैं आपको छोड़। विक्रांत रोको इसको यार। विक्कू अरे विक्कू कहाँ हो तुम, रोकते क्यों नहीं हो? हाँ विक्कू तुम क्यों यहाँ पर? विक्रांत क्यों नहीं है? विक्रांत को बुलाओ। विक्रांत मैं हूँ ना इधर। हटो यार, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जो तेरे पति ने मेरी बीवी के साथ किया। विक्रांत लगता तुम पर गोली का असर हुआ नहीं है। कौन सी गोली? जो भी तेरे पति ने तुझे तेरी ड्रिंक में मिला के दी थी, देखा नहीं तूने? जब मैं तुझे लेके आ रहा था वो बाहर चुपचाप बैठा सब देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। और मैं तुम्हें यहाँ पर इस कमरे में उठा के ले आया। पता क्यों? क्योंकि मैंने तेरे पति से तुझे एक रात के लिए मांगा है, बस एक रात। विक्रांत छोड़ो मुझे। चिल्ला विक्रांत, चिल्लाती रहे वो नहीं आने वाला। क्या हो गया, इतना क्यों घबरा रहे? बस इस रात की इंतजार। विक्रांत अनुष्का बुला रही है मुझे। कहाँ जा रही है? बुला तो मैं भी रही हूँ। अनुष्का वो ये लोग। श्रीकांत अनुष्का मैंने कुछ नहीं किया,
इन लोगों ने फंसाया मुझे। तेरा हाँ तू औरत होके ये बात बोल रही है हाँ शर्म आनी चाहिए तुझे। तूने मेरे पति और अपने पति दोनों को मार दिया। अब तू देख मैं तुझे कोर्ट तक कैसे घसीटती हूँ। मैं इल्जाम लगाऊंगी तेरे और तेरे पति के ऊपर कि वो मेरे साथ रेप कर रहा था और तू उसमें शामिल थी। समझी तू भी अपने पति की तरह फंसी है। इन लोगों ने फंसाया मुझे। इसका मतलब विक्रांत सही कह रहा था तुम दोनों ने मिलकर मेरे पति को मार डाला। हाँ फंसाया था। तुझे भी इसका घसीटूंगी तुझे भी फंसाऊंगी और ये तुझे जेल भेज के इस सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। समझी मेरी। तू फंसाएगी? हाँ हाँ तो मैं चोर चोर तुम मैं पता सर कहाँ भाग रही थी? और ये अंदर से चीखने की आवाजें क्या आ रही है? अब मैंने कुछ नहीं किया। ये हाथ में खून कैसा है? अब मैंने कोई खून नहीं किया। थाने चलकर सब पता चल जाए। चेक करो अंदर। अंदर खून से लथपथ तीन लाशें पड़ी हुई है। एम्बुलेंस को फोन करो। ओके सर। ले चलो इसे गाड़ी में बैठाओ।